आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य भाग 2। चंद्रगुप्त द्वितीय भारतीय अनुश्रुतियों में शकारी कहा गया है। शकारी यानी शकों को हराने के कारण मालवा के क्षेत्र में व्यद्र शैली के सिक्के, चांदी के सिक्के चलाए थे। नोट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। कालिदास, अमर सिंह, धनवंती, शंकु, बेताल भट्ट, बहरामीर, बरुरुचि, शरपनख। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। चीनी यात्री था ये। 399 BC से लेकर ये 414 BC तक रहा है इनका शासनकाल। आए थे यात्रा नालंदा से राजगिरी गए, राजगिरी से बोध गए, बोध गए से वैशाली, वैशाली से श्रावस्ती, श्रावस्ती से कपिलवस्तु गए। उत्तराधिकारी कुमार गुप्त बने थे 415 से 455 BC तक। अन्य नाम महेंद्र आदित्य था। उपाधियां श्री महेंद्र अश्वमेघ की धारण की थी। कुमार गुप्त की जानकारी बिलसड अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और कर्मदंड अभिलेख से मिलती है। सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के थे। मध्य भारत में रजत सिक्के चलाए थे इन्होंने। मुद्रा गरुड़ प्रकार के सिक्कों के स्थान पर मयूर प्रकार के सिक्के चलाए थे इन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की स्थापना की थी। उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त बने थे। स्कंद गुप्त भीतरी स्तंभ हूणों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त ने हूणों को हराया था। हूणों को मल्लिच कहा गया है। स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। नई शैली ब्रिशम शैली के सिक्के चलाए थे। भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 BC में मिला था। सती प्रथा का उल्लेख है इसमें। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त द्वितीय थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर बना जो जबलपुर में, जबलपुर यूपी में। भूमरा का शिव मंदिर सतना में, ये सतना है MP में। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना, ये यूपी में है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ललितपुर यूपी में। भीतर गांव का मंदिर कानपुर यूपी में है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, ये विशाख दंत जी ने लिखी थी। ऋतु संहार कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, विक्रमोर वर्षीय रघुवंशम, ये सब कालिदास जी ने लिखी हैं। बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका ये 12 मिहिर जी ने लिखी थी। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट ने लिखा था। पंचतंत्र विष्णुगुप्त ने लिखा था। नीति सार कामंदक ने लिखा था। मिरिच काटिकम शूद्रक ने लिखा था। और न्याय अवतार लिखा था सिद्धेश सिंह ने। योगाचार लिखा था असंग द्वारा। धन्यवाद दोस्तों।